राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज की अनुपम कृति गीता, जीवन जिए कैसे गीता कहे जैसे, गीता संस्करण। भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद व वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी भूमिका लिखकर इसे और गौरवान्वित किया है। संशय सर्ग में भगवान श्री कृष्ण के विचारों की व्याख्या आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज से सुने। दूसरा शब्द है माम का, मेरे और पांडवों के। यह मेरे और तेरे का बोध मनुष्य के मन में तभी होता है जब वह समिष्ट से कट जाता है। परमात्मा की निकटता से जब मनुष्य कट जाता है तो वह मैं अहंकार बन जाता है। मैं एक छोटा शब्द है जो अहं यानी अहंकार से बना है और जिसका अर्थ आत्मबोधक है। अगर धृतराष्ट्र इस शब्द का प्रयोग नहीं करता तो महाभारत घटित नहीं होता। जब कभी लड़ाई होती है तो उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वार्थ बैठा रहता है और एक व्यक्ति अपने वर्चस्व के लिए दूसरों से लड़ाई करता है। यहाँ धृतराष्ट्र अपने वर्चस्व के लिए दुर्योधन को लड़ने की अनुमति देता है, आशीर्वाद देता है, लेकिन किसी अयोग्य और अनैतिक व्यक्ति को कोई आशीर्वाद देता है तो इसका अर्थ है कि वह अधर्म का समर्थन करता है और अधर्म का कभी न कभी नाश होता ही है। लेकिन स्वार्थी व्यक्ति इसका अर्थ नहीं समझता और वह अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए युद्ध की घोषणा कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण को भी कहना पड़ा कि जब जब धर्म की हानि होती है उन्हें अवतरित होना पड़ता है। युद्ध भूमि में अपनी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दोनों दल के लोग खड़े हैं। केवल राज्य का एक टुकड़ा प्राप्त हो जाए इसके लिए लोग मरने मारने को उतावले हैं, जैसे कि जीवन का कोई मोल है ही नहीं। कहा भी जाता है कि दुनिया में जब कभी भी लड़ाई होती है तो उसके पीछे जड़, जमीन और जोरू, यही तीन कारण होते हैं। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि महाभारत की लड़ाई द्रौपदी के कारण हुई और लंका की लड़ाई सीता के कारण हुई। इस युद्ध भूमि में एक तरफ धृतराष्ट्र की कामना फुफकार मार रही है और दूसरी तरफ दुर्योधन का आक्रोश फन फैलाए खड़ा है और शकुनी अलग अपना प्रतिशोध लेना चाहता है। जहां इतनी कामनाएं एक साथ आक्रामक हो रही हो वहां शांति दूत श्री कृष्ण की बात कौन सुनेगा। लड़ाई के पहले श्री कृष्ण ने काफी प्रयास किया कि युद्ध रोका जाए, लेकिन दुर्योधन के हृदय में इतना विष भरा हुआ था कि वह किसी भी दिव्य वाणी को सुनने के लिए तैयार नहीं था। सत्य है कि जब मनुष्य मंदांध हो जाता है तो वह किसी के भी विवेक की बात नहीं सुनता। दुर्योधन भी इसी तरह अपने विचारों पर खड़ा युद्ध भूमि में आ गया। दूसरी ओर से पांडव भी मजबूरन युद्ध भूमि में आ गए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि युद्ध किसी पर थोपा जाता है। आप देखेंगे कि दुर्योधन युद्ध भूमि में आकर इतना उतावला हो रहा है कि वह चाहता है कि यथाशीघ्र भीष्म पितामह शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करें, लेकिन इसी बीच भगवान श्री कृष्ण अपना रथ लेकर युद्ध भूमि के बीच खड़े हो गए। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा तब उसे पता चला कि यहाँ तो सभी अपने ही खड़े हैं, किससे लड़ाई की जाए। यह समाज का भी नियम है कि संकट काल में ही अपने लोगों की पहचान होती है। तुलसीदास ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहिं चारी। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे समय में सारे लोग अपने बने रहते हैं, लेकिन संकट काल में बहुत लोगों के पांव हिलने लगते हैं। अर्जुन को पहले भ्रम था कि उसका शत्रु केवल दुर्योधन है, लेकिन युद्ध भूमि में आकर उसे लगा कि जो लोग हमारे अपने हैं वे लोग हमारे शत्रु बनकर खड़े हैं। ऐसा तो सामान्य जीवन में भी होता है, जो लोग किसी स्वार्थवश आपके साथ लगे रहते हैं वे समय आने पर साथ छोड़कर भाग जाते हैं। अर्जुन को यह सब देखकर बड़ा सदमा लगा। तब वह सोचने लगा कि मैं किनके साथ युद्ध करूं। सबसे पहले दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि पांडव की ओर से जो लोग लड़ने आए हैं आप पहले उनको पहचान लीजिए। फिर दुर्योधन ने अपने रथियों और महारथियों का परिचय कराया। दुर्योधन को भरोसा था कि जिस सेना में भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथी हों उसे कौन हरा सकता है।
दुर्योधन यहाँ की एक ही भूल कर रहा था कि उसे अपनी शक्ति पर कम और सेनापतियों पर अधिक भरोसा था, साथ ही दूसरी और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जैसे सारथी पर भरोसा था। इसीलिए दुर्योधन ने जब युद्ध के लिए भीष्म पितामह को आदेश दिया तो सबसे पहले भीष्म ने शंख बजाया, जिसके जवाब में श्री कृष्ण ने भी शंख बजाया। जब अर्जुन का रथ युद्ध भूमि में खड़ा हो गया और उसने अपने भाई मामा आदि को देखा तब वह घबरा गया। अपनों को देखकर पहली बार अर्जुन मोह बंधन में बंधकर केशव से कहा, हे केशव, अब मैं क्या करूं? युद्ध की घोषणा हो गई है लेकिन मेरी मानसिक स्थिति अब बिगड़ रही है। मैं युद्ध करने में पूरी तरह असमर्थ हो गया हूँ।